थानागढ़ से युवती से गैंगरेप का मामला, एसपी राजीव पचार को किया एपीओ। कार्मिक विभाग ने जारी किया इसको लेकर के आदेश, लापरवाही बरतने पर किया एपीओ। मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य भी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। डीजीपी ने थानागाजी थानाधिकारी को इसमें निलंबित कर दिया है। कार्रवाई न करने को लेकर के थानागाजी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। लगातार इसमें आरोपी इंद्राज गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है, एसपी राजीव पचार को भी एपीओ इसमें किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं, लापरवाही बरतने पर इसमें एपीओ किया गया है। मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अन्य भी गिरफ्तार हो चुका है। डीजीपी ने थानागाजी थानाधिकारी को उसमें निलंबित कर दिया है। युवती से गैंगरेप का मामला, इसमें इंद्राज गुर्जर के साथ में एक आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया गया है और एसपी राजीव पचार को भी एपीओ इसमें कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन की लापरवाही इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई ना करने को लेकर के ये मामला बढ़ा है। एक अन्य साथी भी इसमें गिरफ्तार हो चुका है, बाकी की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। लगभग 14 टीम का गठन किया गया है, इसकी जानकारी डीजीपी कपिल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी थी। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज बेहरा। नीरज जी, बताएं कि लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ में और भी पुलिस के अधिकारी हैं उनको एपीओ कर दिया गया है। अलवर के थानागाजी से जहां पर एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया था, जिस तरह से दरिंदों ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और उस घटना को अंजाम दिया था, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने उसका वीडियो वायरल करके उनको ब्लैकमेल तक किया था और जान से मारने की धमकी दी थी, इस मामले में बड़ा जो है अभी कामयाबी पुलिस को मिली है कहीं कहीं। और जो मुख्य आरोपी था जो इस घटनाक्रम का, कैलाश मीणा बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ ही दिन में इंद्राज गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तीन आरोपी इसमें अभी और बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस एसपी डॉक्टर राजीव पचार पर की हुई है। उन्हें पुलिस महकमे राज्य सरकार के निर्देश पर उन्हें एपीओ कर दिया गया है। और इस मामले को, क्योंकि 10 दिन हो चुके थे, 26 तारीख की घटना थी, 2 तारीख को मुकदमा दर्ज हो चुका था, इसके बावजूद मामले को दबाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर दबाव बन रहा था, क्योंकि जब से मामला प्रकाश में आया है, लोगों के नजर में आया है, संज्ञान में आया है, तो लगातार लोग इस बात को लेकर आक्रोशित थे, गुस्से में थे। और जिस तरह से इस घटना के बाद में अलवर में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कांदे मीणा आ गए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी आंदोलन की चेतावनी दी, और जिस तरह से अन्य संगठनों ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी घटनाक्रम की निंदा की, कांग्रेस पार्टी ने भी घटनाक्रम की निंदा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 3 लोगों की टीम जो राज्यसभा सदस्य है रामकुमार वर्मा के नेतृत्व में वहां घटनास्थल पर गई, और उन्होंने पुलिस से इस पर पूरे मामले में कार्यवाही की मांग की थी। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर इस बात को लेकर दबाव था कि क्यों नहीं इस मामले का पर्दाफाश किया जाए, जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन रौनक सबसे बड़ी बात ये थी, लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब 2 मई को इस मामले का मुकदमा दर्ज हो गया था, तो उसके बावजूद पुलिस ने आखिरकार क्यों नहीं त्वरित कार्यवाही की, क्यों इस मामले में ढिलाई बरती गई। बताया ये भी जा रहा है कि जिन आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो पहले से आदतन अपराधी है, वो उनके खिलाफ इस तरह के कई मुकदमे पहले से दर्ज है वहां के लोगों ने। और खास बात है कि जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उनके परिजनों ने भी पुलिस वालों को ये बात कही, अन्य लोगों को बताई जो गए हैं कि ये लोग आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, परिवार खुद पीड़ित है इनके कारनामों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटनाक्रम पहली बार हुआ, इस तरह की शिकायतें पहले भी पुलिस में गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत इस तरह के मामलों में सामने आती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि परिवार के लोग ही इस घटना से पूरी तरह से पीड़ित हैं, जो उनके खुद के परिवार के लोग कह रहे हैं कि अयोध्या अपराधी है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं कि 2 मई को मामला दर्ज होने के बाद में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, क्या ऐसे कारण रहे कि पुलिस ने इस कार्यप्रणाली पर, इस मिशन को लेकर के, इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कारण रह सकते हैं? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कारण रहे कि पुलिस ने इस पर संदिग्ध, जब उनको मालूम है कि जो आरोपी हैं वो उनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं, तो आखिर क्यों इस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की? नामजद मामला दर्ज हुए थे, इसको बाद भी पुलिस ने इसको लेकर के कार्रवाई नहीं की, तो सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ने अपने काम में इतनी लापरवाही क्यों की? जहां पुलिस कहती है कि जनता का और हमारे बीच में विश्वास का एक दीवार हमारी रहेगी, लेकिन जब पुलिस ही इस तरह की कार्रवाई करती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस, जनता और हमारे बीच में किस तरह की दीवार कायम कर पाएगी?